जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी का अभिनंदन स्वागत के लिए है तैयार। ये जो देख रहे हैं पूरा जो ये मैदान है चित्रालय मैदान है। नमस्कार, वेलकम टू वॉइस ऑफ दुर्गापुर। मैं हूँ एंकर प्रीति रागिनी और मैं आज हूँ चित्रालय मैदान में। क्यों हूँ और इसलिए हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द हमारे बीच जगन्नाथ स्वामी जी का आगमन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है और इसी के साथ यानी हमारे बंगाली नववर्ष की शुरुआत के साथ पहला मेला जगन्नाथ मेले के साथ ही दुर्गा पूजा का आगमन भी हो जाता है। यानी फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो ये जो चित्रालय मैदान है, तो मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पंडाल और ये जो पूरा तैयारियाँ चल रही है, यहाँ रथ यात्रा यहाँ से निकलती है। जगन्नाथ प्रभु का भव्य यहाँ पे पंडाल है, पूजा अर्चना होती है, लाखों लाखों तादाद में श्रद्धालु जन आएंगे, दर्शन करेंगे। तो कैसे इसके पहले की जो तैयारी होती है, किस तरह से यहाँ के कारीगर यहाँ के शिल्पकार तैयारी जो कर रहे हैं वो सब मैं दिखाना चाह रही हूँ। काफी मेहनत के साथ कर रहे हैं, महीनों से तैयारियाँ चलती है और क्यों ना हो, जगत के स्वामी जगन्नाथ जी का आगमन जो होने वाला है। तो चलिए पूरा मैदान को दिखाते हैं। चित्रालय मैदान है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर का वो खास मैदान जहाँ पे मेला लगती है, वो भी रथ यात्रा का मेला। मैंने दिखाने की कोशिश किया इस वीडियो में कि यहाँ के कारीगर शिल्पकार महीनों से मेहनत कर रहे हैं और इस मेले में आप आके देखेंगे कि कितने खूबसूरती के साथ मेला को सजाया गया है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टॉल लगते हैं और भक्तगण आते हैं, कतारबद्ध तरीके से दर्शन भी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत मनोरम ये दृश्य होगा। जैसा कि दोस्तों भारी गर्मी और इस वर्ष का गर्मी वाकई में इंसानों की हालत खराब करती है, इतना ज्यादा तेज गर्मी है और इसी गर्मी के साथ साथ मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। मौसम में तब्दीली आने लगती है और कहे तो बरसात होने लगती है, रिमझिम फुहारों के साथ बरसात का आगमन और ऐसे में जगन्नाथ प्रभु का भी आगमन हो जाता है। मौसम बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, हर तरह खुशियाँ ही खुशियाँ और इंसान तैयार हो जाते हैं प्रभु की अर्चना में, उनकी स्वागत में। और ये है चित्रालय मैदान, ये है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का चित्रालय मैदान। बहुत ही बृहद मैदान है, यहाँ पे ये मेला देखने लायक है। वर्षों से ये मेला होती आई है, काफी यहाँ पे स्टॉल भी लगेंगे, दुकानें सजेगी, चारों ओर का वातावरण वाकई में आपको लगेगा कि मैं उड़ीसा में यानी भुवनेश्वर में जगन्नाथ प्रभु का दर्शन वहाँ पे जो होता है वही रूप और रंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हर कोई हम वहाँ तो जा नहीं सकते लेकिन प्रभु कण कण में रहते हैं, हमारे हर इर्द गिर्द में रहते हैं। तो जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने के लिए आप सभी आएंगे चित्रालय मैदान जहाँ पे एक खूबसूरत तरीके से शिल्पकार यहाँ के कारीगर तैयारियाँ कर रहे हैं और इसको देखेंगे और उनके स्वागत में आप सभी शरीक हो जाएंगे। तो ये है चित्रालय मैदान, ये है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में, आए और इसका आनंद लें। वैसे मैं पहले से दिखा रही हूँ क्योंकि इसी के साथ फेस्टिवल का भी आगमन हो जाता है। इतनी सारी खुशियों की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी तो, लेकिन उसके पहले का मेहनत, वो जो रंग और रूप और वो जो चमचमाहट जो आपको दिखेगा इस मेले में, उसके पहले यहाँ के शिल्पकार यहाँ के कारीगर कितना मेहनत करते हैं उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। यानी ढेर सारी खुशियों के साथ रथ यात्रा का आगमन हो रहा है और प्रभु से यही विनती है कि हमारे लिए सुख शांति और समृद्धि का आगमन भी लेके आए, हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भी हमें मिले। तो बिल्कुल आप सभी आए, अपने सब परिवार आए और रथ यात्रा का आनंद लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस ऑफ दुर्गापुर के साथ, आप वहाँ पे दिखाएंगे मेला किस तरह से सज के तैयार है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वॉइस ऑफ दुर्गापुर। नमस्कार।